और अर्जुन ने वहां बाण मार के संकल्प किया था और गंगा जी की धार निकली और भीष्म के मुंह में आई, उनकी प्यास मिटी, तन और प्राण संतुष्ट हुए। भगवान कृष्ण ने इस मांगल्यमय घटना को पर्व के रूप में मनाने वालों के प्रति घोषणा कर दी। एकादशी से पूनम तक भीष्म जी को जो अर्घ्य दान करता है, जल अर्पण करता है, तर्पण करता है, उसे भीष्म पंचक व्रत रखने का पुण्य प्राप्त होता है। इन 5 दिनों में अन्न त्याग करके कंद मूल फल अथवा शाकाहार या दूध आदि पर रहे, या तो यज्ञ का बचा अन्न ले, तो उसको विशेष लाभ होता है। अयोध्या का राजा अतिथि ने ये पर्व ये 5 दिवस का किया, बड़ा यशस्वी प्रभावशाली राजा, राज्य सुख भोगकर अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुआ, ऐसी कथा भी आती है। अयोध्या का राजा अतिथि भीष्म पंचक व्रत करने से बड़ा प्रभावशाली राजा हुआ। जो अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं अथवा वैकुंठ चाहते हैं, इस लोक में सुख चाहते और वैकुंठ चाहते हैं, उन्हें ये व्रत करने का सलाह दी गई है। ये 5 दिन अन्न न ले, पंचगव्य ले, दही दूध आदि पंचगव्य का उपयोग करे, स्नान भी इन पंचगव्यों से करे, अथवा तो गो गोबर और गो झरण, नहीं तो केवल गो झरण थोड़ा पानी में मिलाकर शरीर को रगड़ के ऐसे ही स्नान करे पंचगवी की भावना से, तभी भी शरीर के रोम कुपों के दोष निवृत्त होते। जाओ और तिल मिलाकर थोड़े से पानी में डाले और फिर वो पानी तीर्थ की भावना करके स्नान करे, तभी भी दोष हारक पाप नाशक स्नान माना जाता है। तो ये भीष्म पंचक का व्रत राजा अतिथि ने किया था और अयोध्या को खूब ऊंचाइयां मिली थी। अयोध्या में फले फूले उस राजा ने, अपने को तो उन्नत किया, अयोध्या को भी उन्नत किया। भीष्म पंचक व्रत, ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, शाकाहार, पंचगव्य, दूध फल मूल अथवा हविष्य अन्न पर रहने वाला व्यक्ति उन 5 दिनों के अंदर ही अपने को हल्का फुल्का और पुण्यात्मा प्रसन्नात्मा महसूस करने लगेगा। भीष्म को अर्घ्य दे, उस अर्घ्य में जल में कुमकुम हो, केवड़ा हो, पुष्प हो, दुग्ध की थोड़ी पंचामृत की मात्रा हो तो और अच्छा, नहीं तो जैसे भी दे सके दे। अर्घ्य देने वाले को ब्रह्मचर्य में सपन दोष में जो तकलीफ होती है, अथवा पानी पड़ने की बीमारी है, अथवा धातुशय का रोग है, हस्त मैथुन की आदत है, ऐसे लोगों के लिए भीष्म पंचक वरदान रूप है। क्योंकि भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे, दृढ़ ब्रह्मचर्य रहा था भीष्म का। जो अपना संतान तेजस्वी चाहता है उसके लिए भी ये भीष्म पंचक व्रत की महिमा गाई गई है। आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यपरायण गंगा आनंदन महात्मा भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूँ। ऐसा करके अर्घ्य दे और अपनी जो भावना है कि मैं धातुशय के रोग से बचूं, सपन दोष के रोग से बचूं, अस्त मैथुन की गंदी आदत से बचूं, काम विकार से बचूं, ऐसी प्रार्थना करे ये 5 दिवस अर्थात कल से लेकर पूनम तक। मंत्र है सत्यव्रताय शुचये गंगगेयायम
महात्मा ने भीष्माये ददामि अर्घ्यम अजन्म ब्रह्मचारिणे। आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्य परायण गंगा नंदन महात्मा भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूँ, ऐसा करके अर्घ्य दे स्नान करके। तो स्वपनदोष की बीमारी अथवा काम विकार का आवेग आवेश गंदी आदत से बचाव में बड़ी मदद मिलती है। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि आप जैसे संतों को भक्ति करते हो तो माँ प्रकट हो जाती है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान देने वाले गुरु मिल जाते और साक्षात्कार भी हो जाता है, हम लोगों की दाल क्यों नहीं गलती। तो रामकृष्ण ने कहा कि हृदय में एक मथिनी नाम की नाड़ी रहती है। गृहस्थी लोग पूजा सेवा जप तप तो सब करते, लेकिन पत्नी को या किसी को देखकर एक दूसरे के प्रति, स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होते तो मथिनी नाम की नाड़ी सभी नाड़ियों को मथ कर, जैसे मथनी दही को मथ कर मक्खन अलग कर देती है, ऐसे मथिनी नाड़ी सभी नाड़ियों में जो सार तत्व है वीर्य को रज को मथ कर विकारों में ले आती है। तो जो मथिनी नाड़ी का उपयोग होता रहता है, इसलिए उनकी मति में जो सूक्ष्मता चाहिए, परमात्मा साक्षात्कार की जो ऊंचाई चाहिए वो मति में नहीं आती, इसलिए वे मति उनकी साक्षात्कार के योग्य नहीं रहती। तो मथिनी नाड़ी आकर्षण पैदा कर, आकर्षण पैदा होने से मथिनी नाड़ी में मंथन होता है और फिर धातु क्षय होता है। धातु क्षय होने पर साक्षात्कार नहीं होता है, ईश्वर साक्षात्कार नहीं होता। अगर धातु क्षय वाला भी ईश्वर साक्षात्कार करना चाहे तो उसे धातु क्षय से बचना चाहिए। बोले गृहस्थी लोग भगवान को पाते तो गृहस्थी रहते हुए भी वे संयमी होते हैं ना, जैसे रामकृष्ण गृहस्थी कहे जाएंगे, कबीर जी गृहस्थी कहे जाएंगे, लेकिन बहुत ऊंचे संयम के धनी होते। तो ये मंत्र फिर से पढ़ता हूँ। सत्यव्रताय शुचये गंगगेयाय महात्मने भीष्मे तद्ददामि अर्घ्यम आजन्म ब्रह्मचारी।